गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 जंतुओं में पोषण इसको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगी कि हम लोग सभी जीव जंतु जो हैं वह भोजन करते हैं। यह भोजन जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। आपने कभी सोचा है कि भोजन से हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? भोजन से हमें ऊर्जा इसमें उपस्थित पोषक तत्वों के द्वारा प्राप्त होती है। तो यह भोजन जो है वह अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास और गतिशीलता के लिए प्रत्येक जीव को आवश्यक होती है और इससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। यही भोजन जो है वह पोषण कहलाता है। जंतुओं के पोषण में उन्हें पोषक तत्वों की जरूरत, भोजन ग्रहण का तरीका, शरीर में उनका उपयोग, यह सब शामिल होता है। इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि सभी जीव जंतुओं में भोजन ग्रहण करने का तरीका अलग अलग होता है। मनुष्य में भोजन ग्रहण करने का जो तरीका है उसमें 3 चरण आते हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, भोजन को का मुख में प्रवेश। दूसरा है अवशोषण, जिसमें कि भोजन से भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है। और तीसरा है निष्कासन, जो कि पचे हुए भोजन के अवशेष का निष्कासन हमारे शरीर के द्वारा हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व हैं वो क्या क्या हैं। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और वसा। मुख्यतः यही 4 पोषक तत्व हैं और कार्बोहाइड्रेट हमें चावल, आलू, चीनी, गेहूं ये सबसे मिलता है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं दालें, मांस, मछली, अंडा इत्यादि। विटामिन्स हमें फलों के द्वारा मिल जाता है। इसके बाद है वसा। वसा यानी कि तेल, घी, बटर, जो भी हम खाते हैं ये सब वसा कहलाती है। ये जो पोषक तत्व है ये हमारे शरीर के विकास के लिए और हमारे मानसिक विकास के लिए, दोनों विकास हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, यह दोनों के लिए आवश्यक है और इससे हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। अब हम आ जाते हैं कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन जो होता है वह एक लंबी वाहिका से होकर के हमारा भोजन गुजरता है, जो मुख से आरंभ होकर के मल द्वार तक जाती है। इसे आहार नाल कहते हैं और इस आहार नाल के विभिन्न भाग निम्न है। आहार नाल को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसके बाद है, मैं इसका इंग्लिश में नाम भी बोलते जाऊंगी जो आपके आगे की कक्षा के लिए आपके लिए आवश्यक होगा। तो यह आहार नाल जो है इसके विभिन्न भाग क्या क्या है। पहला है मुख गुहिका यानी हमारी माउथ कैविटी। दूसरा है ग्रसिका या ग्रास नली, यह हमारे गले से उदर तक जाती है, फूड पाइप और ओसोफेगस। तीसरा है आमाशय, स्टोमक। चौथा है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवा है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। छठा है मलाशय और सातवां है मल द्वार। तो यह जो है हमारे पूरे पाचन तंत्र का यह उपयोगी भाग है और
हमारे पाचन में इन सारे अंगों का एक महत्वपूर्ण योगदान है।